हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप? आशा की आप सब ठीक होगे। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे पेड़े। तो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए बनाएंगे पेड़े। अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने अपनी कढ़ाई अपने गैस पर रख ली है और कढ़ाई में हम डालेंगे 2 से 3 चम्मच घी। मैं इसे ऑन कर लेती हूँ और इसमें घी डाल देती हूँ। तो फ्रेंड्स, मिठाइयों के लिए आपको देसी घी लेना है। आप चाहो तो जैसा आपके पास अवेलेबल हो वो भी ले सकते हो, लेकिन अगर आप देसी घी लोगे तो आपकी मिठाई बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनेगी। तो देखिए, आप देख सकते हो हमारा घी मेल्ट हो रहा है। तो देखिए, हमारा घी अच्छे से मेल्ट हो चुका है। अब इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूंगी 1/2 ग्लास दूध। तो देखिए, मैंने ये 1/2 ग्लास दूध डाल दिया है। देखिए, मैंने अपने ग्लास में से इतना दूध बचा लिया है और अब इसे हम थोड़ा मिक्स कर लेंगे दूध को और घी को। और फ्रेंड्स, इसका थोड़ा अच्छा फ्लेवर लाने के लिए मैं इसमें डालूंगी 1/2 टीस्पून इलायची पाउडर। इससे आपकी मिठाई में बहुत ही अच्छी खुशबू आएगी। तो देखिए, अब हमारा दूध बॉईल हो जाएगा। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारा दूध बॉईल हो चुका है। अब इसी कंडीशन में मैं इसमें डालूंगी अपना मिल्क पाउडर। देखिए, मैंने 2 से 3 कटोरी मिल्क पाउडर लिया हुआ है। मैं इसे इसमें डाल देती हूँ और इसे अच्छे से मिक्स कर लेती हूँ। तो फ्रेंड्स, इसका थोड़ा थोड़ा रेड कलर हो रहा है। उसका रीज़न यह है कि जो मैंने मिल्क पाउडर लिया हुआ है वो चॉकलेट फ्लेवर है, तो इसलिए इसका थोड़ा थोड़ा रेड कलर हो चुका है। फ्रेंड्स, ये वही मिल्क पाउडर है जो कि आंगनवाड़ियों में नॉर्मली मिलता है। मेरी वीडियो में बहुत सी कमेंट आई थी कि हमारा ग्रीन कलर की मिठाई बनती है या हमारी रेड कलर की बनती है। तो फ्रेंड्स, उसका रीज़न यही होता है कि जो हम मिल्क पाउडर आंगनवाड़ी से हमें मिलता है उसमें कई फ्लेवर आते हैं, जैसे इलायची फ्लेवर, स्ट्रॉबेरी फ्लेवर और चॉकलेटी फ्लेवर और वनीला फ्लेवर। जो आपने मेरी वीडियो देखी है उसमें मैंने वनीला फ्लेवर की मिठाई बनाकर तैयार की है। मैंने इसमें 1 घूंट दूध और डाल दिया है और अब मैं इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं अभी यह है थोड़ा पतला घोल बनकर तैयार हुआ है। धीरे धीरे हम इसे पका लेंगे और 10 से 15 मिनट में आपकी मिठाई बनकर तैयार हो जाएगी। यह खाने में बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होती है और जो इसका चॉकलेटी फ्लेवर है वो बच्चों को काफ़ी पसंद रहता है। फ्रेंड्स, मैंने अपनी रेसिपियों में ज़्यादातर मिल्क पाउडर के अलग अलग फ्लेवर आपको दिखाए हैं। मैंने चॉकलेटी फ्लेवर का भी बनाकर आपको पहले दिखाया था और वनीला का भी और स्ट्रॉबेरी का भी। मैंने सभी फ्लेवरों की मिठाइयाँ आपको बनाकर दिखा रखी हैं। आप अगर इन मिठाइयों को देखना चाहो तो आप मेरे चैनल पर देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, आज जो मैं बनाने जा रही हूँ वो चॉकलेटी फ्लेवर है और इसी के हम बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे पेड़े बनाकर दिखाएंगे आपको। तो फ्रेंड्स, देखिए, मैं इसे इसी तरह हिलाती रहूँगी जब तक यह मिठाई में कन्वर्ट नहीं हो जाता। आपको इस मिठाई को बनाने में 10 ही मिनट लगेंगे, ज़्यादा टाइम बिल्कुल नहीं लगने वाला है। तो इसी तरह आप इसे हिलाते रहिएगा, आपको इसे छोड़ना 1 मिनट के लिए भी नहीं है। अगर आप इसे हिलाना छोड़ देंगे तो ये नीचे की तरफ लग जाएगा और आपकी मिठाइयों में जलने की बू हो जाएगी। तो आप इस बात का खास ध्यान रखें कि आपको इसे हिलाते रहना है। जितना आप इसे हिलाएंगे उतनी ही आपकी मिठाइयाँ स्वादिष्ट और अच्छी बनकर तैयार होंगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं हमारी बिल्कुल मिठाइयाँ जैसी कंडीशन इसकी बनकर तैयार हो चुकी हैं। अब 10 से 15 मिनट के लिए मैं इसे इस तरह रख दूंगी ताकि ये ठंडा होने के बाद हम अपनी मनपसंद इसकी मिठाई बना सकें। जैसा हम इसकी सेप बनाना चाहेंगे वैसे बना सकेंगे। तो अब मैं इसे थोड़ी देर के लिए इसी तरह छोड़ देती हूँ। 10 से 15 मिनट इसे ठंडा होने में लग जाएंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं ये ठंडा हो चुका है। देखिए, आपको इसी कंडीशन में इसे ठंडा कर लेना है आराम से। देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से ठंडा हो चुका है, बिल्कुल मिठाई वाली कंडीशन में आ चुका है। ऊपर मैं इसे थोड़ा आपको टच करके भी दिखा देती हूँ। तो इसका मतलब ये ठंडा हो चुका है। अब इसे हम कोई भी शेप दे सकते हैं, जैसे आप देना चाहो। तो मैं इसे एक साइड में कर देती हूँ। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं अपने हाथों को थोड़ा चिकना कर लूँगी और थोड़ा अपने हाथों को चिकना करने के बाद हम इसमें से अपना डो लेंगे। इस प्रकार की मैं इसे शेप दे रही हूँ, यह इस तरह का झरना लेके इसे पे थोड़ा समय
प्रेशर दूंगी और इस पर इस प्रकार का डिज़ाइन बन जाएगा। देखें यह दिखने में कितना अच्छा दिख रहा है। तो सभी को हम इसी तरह थोड़ा प्रेस करके इस पर यही डिज़ाइन देंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, सभी को हम इसी प्रकार बनाकर तैयार कर लेंगे, अपनी प्लेट में रख लूँगी। तो देखिए आप देख सकते हो। तो फ्रेंड्स, हम सभी को इसी प्रकार बना के अपने प्लेट में रख लेंगे। तो देखिए फ्रेंड्स, मैं इस पर ये चांदी का वर्क लगा लूँगी। इससे ही है, दिखने में भी अच्छी दिख रही है और खाने में तो इसका कोई टेस्ट नहीं होता है कि ये खाने में भी आपको इससे अच्छी लगेगी। ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो आप इसे यूज़ कर लीजिएगा। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इस पर सभी पर चांदी का वर्क लगा लिया है और ये दिखने में काफ़ी अच्छी दिखेगी। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं यह है कितनी बढ़िया दिख रही है। अब हम इसे और अच्छा दिखने के लिए इसके ऊपर लगाएंगे थोड़े थोड़े काजू। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट हो वो आप इस पर लगा सकते हो। तो देखिए, आप देख सकते हैं हमारे चॉकलेट पेड़े कितने अच्छे दिख रहे हैं और यह बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। फ्रेंड्स, बहुत ही ईजी तरीके से बनने वाली ये मिल्क पाउडर की रेसिपी बहुत जल्दी बनकर तैयार होती है। जब भी कोई त्यौहार हो या घर में मेहमान आ रहे हों तो आप इस रेसिपी को फटाफट बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को अभी कभी लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको हमारी नई वीडियो का लिंक मिलता रहे। तो फ्रेंड्स, अगली एक ऐसी ही न्यू रेसिपी के साथ फिर से आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।